Hello, you're listening to Pankaj Rai, and in this video we are going to discuss the 12th HOTS problem of geometry. So let us begin. In the figure, triangle ABC is equilateral triangle, so ABC jo hai wo equilateral triangle hai. Bisector of angle B, B ka jo bisector hai, intersect the circumcircle of triangle ABC, ABC triangle ka jo circumcircle hai, usko point P pe ye intersect kar raha hai. Kaun? Iska bisector. To agar ye bisector hai, तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल होने चाहिए. ठीक है, आगे हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि CQ इक्वल टू CA. तो अगर हमें प्रूफ करना है कि CQ, ये रहा CQ और ये रहा CA, तो अगर ये CQ और CA हमें इक्वल प्रूफ करना है, तो यानी कि हमें ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूफ करना होगा. तो ये प्रूफ हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल से कि सी क्यू और सी ए दोनों सेम है. तो चलिए, ये पूरा एंगल का क्वेश्चन है. अब देखिए, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल थे, लेकिन ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल था, तो एंगल बी जो है वो 60 था, तो आधा होने के बाद ये 30 हो गया है और ये भी 30 हो गया है. और आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल है ये तो 60 होगा, ये 60 है इक्विलेटरल ट्रायंगल से, तो लीनियर पेयर से ये वाला डी सी ए और ए सी क्यू, ये तो लीनियर पेयर है, तो वो 60 और ये इसका टोटल 180 होना चाहिए, तो यानी कि ये बचेगा 120. ठीक है, अब हमें ये दोनों एंगल इक्वल करने हैं, देखते कैसे होगा. आप अगर गौर से देखें, ये जो एंगल है यानी कि एंगल सी ए पी, ये एंगल ये सी पी आर्क में इंस्क्राइब्ड है, तो सी ए पी इज़ इंस्क्राइब्ड इन आर्क सी पी, और सी पी आर्क में एक और एंगल इंस्क्राइब्ड है सी बी पी, तो सी बी पी और सी ए पी दोनों के दोनों सी पी आर्क में इंस्क्राइब्ड है. तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. कौन से? सी पी आर्क में जो है सी बी पी और सी ए पी. पर सी बी पी तो हमने 30 निकाल के रखा था, इसका मतलब जो सी ए पी है वो भी 30 होगा. अब हमें मिल जाएगा क्यू रिमेनिंग एंगल से. आप ट्राइंगल ले लीजिए क्यू सी ए, क्यू सी ए ट्राइंगल में आप लगाइए कि सारे एंगल का टोटल जो है वो 180 होता है, तो एंगल क्यू प्लस सी प्लस ए विल बी 180. तो एंगल क्यू जो अननोन है प्लस सी विच इज़ 120 प्लस ए जो 30 मिला इज इक्वल टू 180. तो हमें मिलेगा Q प्लस 150 इज इक्वल टू 180, यानी कि Q हमें मिल जाएगा 30 डिग्री. देखिए Q 30 मिल गया, तो Q 30 है और A 30 है, तो सीधी सी बात है कि कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस से QC और AC यानी कि CQ और CA ये दोनों इक्वल होंगे. Thank you very much.